जय आर्यवर्त। आर्यवर्त न्यूज में आपका स्वागत है। देश का एकलौता और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जो आपको हमारे सुप्रीम लीडर की पल पल की खबर देता है। आज की बड़ी खबर, सभ्यता पुलिस ने कुख्यात कॉमेडियन कुणाल फारूकी को कल देर रात थर दबोचा। फारूकी पर यह सर्जिकल स्ट्राइक तब हुआ जब वो एक खुफिया जगह से अपना कॉमेडी शो कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन दरअसल में वो अपने दर्शकों को सुप्रीम लीडर और राष्ट्र एकता सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे और उन्हें मिसगाइड कर रहे थे। इस संगीन अपराध के लिए फारूकी पर आईपीसी की नई धारा 56 लगाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। ब्लास्फेमी लॉ की धारा 56 के तहत सुप्रीम लीडर और राष्ट्र एकता सरकार पर किसी भी प्रकार का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना सख्त मना है। कुणाल फारूकी पर आरोप यह भी लगे हैं कि वो लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और सुप्रीम लीडर की दाढ़ी पर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। ऑडियंस में बैठे एक राष्ट्रवादी दर्शक ने तुरंत सभ्यता पुलिस से संपर्क किया, जो वहां मिनटों में पहुंची और इस कुख्यात कॉमेडियन को थर दबोचा। महीनों से सभ्यता पुलिस कुणाल फारूकी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नकली आधार कार्ड और बायोमेट्रिक्स की मदद से वो बचता रहा। साथ ही साथ वहां जमा 50 दर्शकों को भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि बगैर सरकारी लाइसेंस वाले कॉमेडियन के शो में जाना एक कानूनी अपराध है और वहां शराब का भी सेवन हुआ है, जो पूरे देश में निषेध है। आर्यवर्त न्यूज के दर्शकों को हम ये भी याद दिला दें कि ब्लास्फेमी लॉ का सेक्शन 56 पिछले ही साल पार्लियामेंट में पारित किया गया था। ऐसा करना अनिवार्य हो गया था क्योंकि अर्बन नक्सली और टुकड़े टुकड़े गैंग कई दिन से बिना किसी रुके हुए सरकार के खिलाफ बोले ही जा रहे थे और लोगों के मन में सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक शंका उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। ये गतिविधि और भी ज्यादा हो गई जब सुप्रीम लीडर ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, वो भी बिना किसी विपक्ष के। इसके पश्चात देशवासियों ने सुप्रीम लीडर को जीवन काल के लिए देश का मुखिया चुन लिया। सारे राष्ट्रवादी लोगों का यही मानना है कि हमारे सुप्रीम लीडर ही हमें विकास के रास्ते पर वापस ले जा सकते हैं और देश को एक मजबूत कर्मयोगी लीडर की जरूरत आज और भी ज्यादा है, जब देश अपने पड़ोसी के साथ युद्ध की स्थिति में है और देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग ने गृह युद्ध छेड़ के रखा है। इस सब के चलते देश की जीडीपी पिछले 6 सालों में गिरती आई है और देश के खजाने में पैसा खत्म हो गया है। लेकिन अब सुप्रीम लीडर ने एक बड़ा ऐलान किया है, अंतिम निर्भर कार्यक्रम। आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अपार सफलता के बाद अंतिम निर्भर के तहत देशवासी प्रण लेंगे कि वो जीवन के अंत तक कोई विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे और सिर्फ देश के बड़े बड़े उद्योगपति से ही अपना सामान खरीदेंगे। ऐसा करने से हमारे ऊपर लगे अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस का भी असर कम होगा, क्योंकि वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये इल्जाम लगाकर कि हमारे सुप्रीम लीडर अल्पसंख्यक लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, देश को बाहर से और देश को अंदर से कमजोर करने की सारी ऐसी कोशिशें नाकाम रहेंगी। कुणाल फारूकी ने यह तो नहीं बताया है कि उनके हैंडलर्स कौन हैं या उन्हें पैसे कौन दे रहा था, लेकिन ANIA यानी एंटी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ डिसेंट कंट्रोल यानी DDC के मुताबिक इन्हें पैसे पप्पू जी से आ रहे थे, जिन्होंने इटली में बैठकर ऑपोजिशन इन एग्जाइल खोल के रखा है। इस बात की छानबीन चल रही है और हम जल्द ही आपको इसके बारे में भी अपडेट देंगे आर्यवर्त न्यूज पे। फिलहाल
कुणाल फारूकी के कॉमेडी शो की रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच भी चल रही है। फुटेज में यह साफ दिखता है कि फारूकी ने देश की खस्ता अर्थव्यवस्था और धार्मिक तनाव को लेकर मजाक किया है। गौर करने की बात यह है कि उसने यह नहीं बताया कि 70 साल के बाद देश का पुनः जन्म हो रहा है, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी जरूर। कुणाल ने यह भी नहीं बताया कि देशवासियों को एक नया जोश, एक नई पहचान मिली है पिछले 10-15 सालों में, जिसका कोई आर्थिक मोल नहीं लगाया जा सकता है। सूचना यह भी है कि इस खतरनाक कॉमेडियन ने सुप्रीम लीडर के पशु प्रेम को लेकर भी मजाक उड़ाया। पूछता है आर्यवर्त न्यूज कि एक इंसान में सुप्रीम लीडर को लेकर इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा कैसे हो सकती है। ब्लास्फेमी लॉ के तहत कुणाल फारूकी अब 2 साल से पहले बेल एप्लीकेशन नहीं दाखिल कर सकते हैं। उनके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि हिंद बचाओ सभा देश भर में रैलियां निकाल रही है यह मांग करते हुए कि सुप्रीम लीडर के अपमान करने के लिए कुणाल फारूकी को 84 से फांसी मिलनी चाहिए। आर्यवर्त न्यूज में हम अपने राष्ट्रवादी दर्शकों को कुणाल फारूकी के केस में और भी जानकारी देते रहेंगे, और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसे कानूनी तरीके से पूरी सजा ना मिले। लेकिन हमारी आपसे यही अपील है कि किसी भी खतरनाक कॉमेडियन को बचने ना दे, हमारे सुप्रीम लीडर का ऐसे अपमान ना होने दे। ऐसे देशद्रोही कॉमेडियंस को तुरंत सभ्यता पुलिस के हवाले करें, जिससे उनका तुरंत इलाज हो पाए। हमें अपने देश से ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हटाना होगा। आज के खबरों के लिए इतना ही। देश के लिए जागरूक रहिए, अफवाहों पर ध्यान ना दे। देखते रहें आर्यवर्त न्यूज, देश का इकलौता और सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। जय आर्यवर्त।